हैट के साथ डांस करूंगी। और म्यूजिक खत्म होने से पहले अगर तुम ये हैट मुझसे ले सके then you will win. और अगर नहीं ले पाए तो तुम लूजर और हम विनर। सो क्या बोलते हो? Bring it on. अब सब क्लियर हो गए कि भारत नगर का असली स्टार डांसर कौन है? जिया, तुम सब डांस करके ये कैसे कह सकती हो कि तुम भारत नगर की स्टार डांसर हो? पहले तुम्हें मेरा डांस भी तो देखना पड़ेगा ना। शो मी। ना ना ना, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो ये हैट वाली ट्रिक दिखाऊंगा। अगर स्टार डांसर डिसाइड करना है तो वो तो डांस फ्लोर पे डिसाइड होगा। यू मीन स्टेज पे, सबके सामने? यस, आज रात की न्यू ईयर पार्टी में हम दोनों के बीच एक डांस कॉम्पिटिशन होगा और पब्लिक वोटिंग के जरिए ये डिसाइड कर पाएगी कि स्टार कौन है और फ्लॉप स्टार कौन। वाओ, क्लैप फॉर एवरीवन। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन क्यों ना चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और इंटरेस्टिंग कैसे? अगर विवान हार गया तो उसकी पूरी पलटे। पूरी लाइफ चिंटू और चिंटी की सर्वेंट बन के रहेंगे। ओए गुजिया, कैसी शर्ट रखी है तुमने? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मायसेल्फ आरुहि फ्रॉम यूपी। अच्छा 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 अच्छा, लिसन, आरुहि फ्रॉम यूपी, अगर दोबारा मुझे गुजिया बुलाया ना तो तुम्हारा वो हाल करोगी पूरे लखनऊ में लाइफ टाइम भजिया तलोगी। तू मुझसे भजिया तलवाएगी? मैं अभी तेरा भट्टा बनाती हूँ बढ़िया। मार मार मार, ये मार उसको, उसको मार, पकड़ 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 उसकी बाल खींच, छोटी निकाल दे उसकी, मार 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 उसको, मार उसे, अरे खींच मार, अरे एक सेकंड, मार मार क्या, अरे अरे रुको रुको रुको, अरे अरे इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ रोई, मुझे जिया की शर्त मंजूर है। क्या? अरे रिलैक्स टीम, ये भी तो सोचो कि अगर मैं जीत गया। हाँ, सो अगर मैं जीत गया तो चिंटू और चिंटी को हमेशा के लिए तुम लोगों का सर्वेंट बनना पड़ेगा। सो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। Here it is. अरे ये कहाँ लेकर आए तुम हमें? यहाँ यहाँ छुपने वाले हो तुम बालवीर से? कई सेंचुरी से भारत नगर के नीचे एक स्लीपिंग वॉल्केनो था जो कि आज एक्टिवेट हुआ है, लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जाग गया है इसमें से लावा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इस वॉल्केनो के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है और अगर हम इस चट्टान को तोड़ दें तो ये वॉल्केनो ब्लास्ट होगा और इसका लावा पूरे भारत नगर के साथ साथ दोनों बालवीर को भी मेल्ट कर देगा। हैं? निकाल कर तुम लावा, जीत का कर रहे हो दावा? वाह वाह भाई वाह वाह, ताली दो ताली।
बीच में ये चम्मच क्यों हिला रहे हो? मूर्ख, मैंने उस ज्वालामुखी के ऊपर एक कवच बनाया है जिससे वो चट्टानें टूटने की आवाज बालवीर और परियों तक ना पहुंचे। वाह वाह, क्या सोच है? हाथ ये वाला नोट कर। मैं तो कहती हूँ हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हे गाइस, ये तुम लोग लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहे हो? मेरे डांस के लिए कोई म्यूजिक ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम तुम्हें कौन से पागल खाने भेजे। अच्छा अच्छा, क्या ये तुम लोग मेरी किस टाइप की फिरकी ले रहे हो? फिरकी तो तुमने हमारी ले ली है विवान, तुमने हमसे बिना डिस्कस करे जिया से इतनी बड़ी शर्त लगा ली। अब इसमें डिस्कस क्या करना, डांस कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा ना। रियली? तुझे लगता है तू डांस कॉम्पिटिशन जीतेगा? तूने देखा नहीं विवान, जिया तुझसे 100 times बेटर डांस करती है। हाँ अब, अरे फिकर नॉट विवान की बल्टन, मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी विवान, लेकिन जब डक और पीकॉक का डांस कॉम्पिटिशन होता है ना, तो कोई भी गेस कर सकता है कि कौन जीतेगा। रिंगू, तुम मुझे डक बोल रहा है? डक नहीं, तुम तो मुझे डोंकी लगते हो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने हम सबके बदले बैट कैसे लगा दी? हाँ विवान, तुझे पता है ना कि अगर तू ये बैट हारा तो हमें लाइफ लॉन्ग चिंटू और चिंटी के स्लेव बनकर रहना होगा। इसे छोड़ो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये अभी भी बेटर है। इनमें से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे ज्वाला परी, हाँ बस क्यों रहे हो? क्योंकि अब कछुए और मोरनी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होगी तो मोरनी ही जीतेगी ना। वो रिंकू मुझे डक बुला रहा था और आप मुझे कछुआ। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जिया से हारने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी रियल चिंता ये है कि अगर मैं हार गया तो मेरी बल्टन को चिंटू और चिंडी का अत्याचार झेलना पड़ेगा। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन अब तो मैं शर्त लगा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी बल्टन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इनकी रक्षा कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वरना बाल परी से डांट पड़ेगी। मैं अपने लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरे लिए जादू का प्रयोग कर सकते हैं ना। मैं? यस, क्योंकि बाल परी ने हमें किसी पर्सनल काम के लिए मैजिक यूज करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना मना किया था। ये है चुलबुल बुलबुले शीशी, इसे तुम जूते पे लगाओगे तो ऐसा नाचोगे कि तुम्हें देखकर सब दंग रह जाएंगे। वाओ, थैंक यू ज्वाला परी। अब नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखता। ये क्या है ज्वाला परी, इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। वाह, सो अमेजिंग। लेकिन ज्वाला परी, ये जूते रुकेंगे कैसे? ओके, समझ गया, यानी कि फर्स्ट विसल पे डांस ऑन और सेकंड विसल पे डांस गॉन। लेकिन विवान, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। शीशी को एक बार खोलने से एक ही बुलबुला बाहर निकलेगा। अब इसमें सिर्फ 4 बुलबुले बचे हैं, इसका अब तुम ध्यान से प्रयोग करना। यस, अब तो मुझे डांस कॉम्पिटिशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है हमें दूसरी कंट्री का वीजा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में रहेंगे तो चिंटू चिंटी बहुत सेवा करवाएंगे। कंट्री छोड़ने से अच्छा हमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर चिंटू चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे,
डोंट वरी आरुई, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए, उठ। आ रहा हूँ ना। इधर एट, उधर उधर, ओ रिंगू डिंगू, उधर जा। रिंगू है वो। अब बैठ बैठ। क्यों? सुतली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंगू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो, ताकि हम तुम्हारी स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना ना ना, चिंटू चिंटू, रिजल्ट के पहले मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंटी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों को उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। रेडी क्या? हाँ? अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा ले। विवान, खुशी। हाँ मम्मी। हाँ माँ। हाँ, मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ, मैं आती हूँ। दादाजी, इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी मड्डी टूट जाती तो? टूटी तो नहीं, चल रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए, आप तो बड़े बेशरम हैं। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी, और हमसे हर जाना मांग रहे हैं। अरे बाबा, क्यों इतना गर्दी करके रखा है? चलो हटो पीछे, अपना अपना काम करो। चलो
डांस ने तो मुझे थका ही दिया, थोड़ा जूस पी लेता। ज्वाला परी आप? विवान, चुलबुल बुलबुले की शिशि कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि करुणा जी बीच बाजार में नाच रही है। क्या? सॉरी तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडी गार्ड है, मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए चला रे चला, गर्दी कमी करा चला, ए चल रिक्शा फुटेगा। अब चलिए माँ, हम घर चलते हैं। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि पर, हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ चलिए। ध्वनिपरी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। पालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।